सो हे गाइस, वेलकम बैक टू। देखो, डीयू की तरफ से सीडब्ल्यू एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे लिस्ट रिलीज हो गई है, एंड लिस्ट के साथ साथ यहाँ पे ग्रीवेंस फॉर्म भी रिलीज किया गया है फॉर सीडब्ल्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पर देखो, मेन चीज यहाँ पर ये है कि अगर आपने सीडब्ल्यू कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया था डीयू के एप्लीकेशन फॉर्म में, सो ये लिस्ट आपके लिए, एंड अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्ट को चेक करना है एंड अपनी प्रायोरिटी को देखना है कि जो आपने फिल करी थी वो आपको वेरीफाई होकर मिली है या फिर नहीं मिली, या फिर नहीं मिली तो क्या रीजन है, एंड उस रीजन को रेक्टिफाई आपको करना है। तो सबसे पहले आपको आना है DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो है du.ac.in, आप सबको पता है, एंड यहां पे आकर आपको जो है एडमिशंस 2020 के टैब पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे, यहां पे आपको दिख जाएगा इंफॉर्मेशन अबाउट यूजी एडमिशन, एंड यहां पे आपको दो लिंक मिल जाएंगे, एक है यहां पे लिस्ट ऑफ CW एप्लीकेंट एंड सेकंड है यहां पे ग्रीवेंस फॉर CW कैटेगरी। तो यार देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले हम CW कैटेगरी के लिस्ट के बारे में, एंड उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीवेंस फॉर्म के बारे में कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो वो आपको कैसे रेक्टिफाई करवानी है, कैसे एड्रेस करवानी है थ्रू दिस ग्रीवेंस फॉर्म, ठीक है ना। तो यार अब बात करते हैं सबसे पहले हम इस लिस्ट के बारे में। तो यार देखो, ये रही वो लिस्ट, यहां पे सबसे पहले टॉप में यहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहां लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड अंडर CW कैटेगरी आर एडवाइज्ड टू चेक देयर वेरीफाइड प्रायोरिटी इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो यार जो भी आपको कॉलेज अलॉट होते हैं वो आपको प्रायोरिटी वाइज अलॉट होते हैं, तो यहां पे आपको जो भी आपने प्रायोरिटी अपनी फिल करी थी वो आपको चेक करने की, वेरीफाई होने के बाद आपको वो मिली है या फिर आप नॉट एप्लीकेबल हो गए हो, या अगर आप नॉट एप्लीकेबल हो गए हो तो क्या रीजन है, वो आपको यहां पे रिमार्क्स में शो हो जाएगा, एंड उसको आप रेक्टिफाई करवा के अपनी जो प्रायोरिटी है उसको वेरीफाई करवा सकते हो। यहां लिखा हुआ है फर्दर अपडेट्स फॉर एडमिशन अगेंस्ट CW कैटेगरी विल बी अवेलेबल ऑन द एप्लीकेंट्स पोर्टल। तो जो भी आपके फर्दर अपडेट्स होंगे एडमिशन के, वो आपके पोर्टल पे आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पे इन केस एनी एप्लीकेंट हैज अ ग्रीवेंस दे नीड टू फिल द ग्रीवेंस फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई ग्रीवेंस है आपकी, तो आपके लिए वो फॉर्म रिलीज हो गया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं आगे, तो उसको आपको फिल कर देना है आपकी ग्रीवेंस को एड्रेस करवाने के लिए, एंड आपका वो एड्रेस होते ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। अब यहां लिखा हुआ है जो प्रॉपर यहां पे लिस्ट है आपकी, सबसे पहले यहां पे लिया हुआ है आपका फॉर्म नंबर, ठीक है ना। यहां आपके फॉर्म नंबर शो होंगे, यहां पे आपका नेम शो होगा, यहां है आपकी कैटेगरी सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट। तो यार ये वो है कैटेगरी है जो आपने अपने फॉर्म टाइम पे चूज करी थी आपकी, ये वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी। यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाइड कैटेगरी। तो अब यार इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यार देखो वेरीफाइड कैटेगरी वो है जब जो आपने प्रायोरिटी अपनी फिल करी और वो DU के ऑफिशियल्स ने वेरीफाई करके कंफर्म कर दी कि जी हाँ वही है आपकी, करेक्ट है आपका, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक से आ गए हैं, एंड यहाँ पे उनका नॉट एप्लीकेबल शो हो जाएगा जिनके फॉर्म में कोई दिक्कत थी। जैसे यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं एग्जांपल आपको, तो यहाँ पे इन्होंने चूज किया हुआ था आर्म्ड फोर्सेस प्रायोरिटी 6, यहाँ पे इनका आ गया है नॉट एप्लीकेबल, और रीजन क्या है, रीजन आपको यहाँ पे रिमार्क्स में शो हो जाएगा। रीजन है यहाँ पे CW सर्टिफिकेट नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो जो भी इन्होंने अपना CW सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो अब इसको आपको रेक्टिफाई करना है, तब आप वेरीफाई हो जाओगे, एंड फिर से आपको जो प्रॉपर आपकी प्रायोरिटी वाइज आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे आगे, ठीक है ना। तो यार मेन चीज यहां पर ये है कि आपको जस्ट अपनी ये लिस्ट ओपन करनी है, यहां पे आपको अपना नेम चेक करना है, अपना फॉर्म नंबर एंटर कर दो यहां पे, तो आपका नेम आ जाएगा, आपको चेक करना है कि जो आपने प्रायोरिटी फिल करी थी वो आपकी वेरीफाई होने के बाद आपको मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर नहीं मिली तो आपको आगे रिमार्क्स में आपका रीजन शो हो जाएगा, एंड उस रीजन को आपको रेक्टिफाई कर देना है, एंड उसके बाद जो प्रॉपर आपकी है वो फिल हो जाएगी, आपका जो प्रायोरिटी है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो यार देखो मेन चीज यहां पर देखो यार मेजॉरिटी में रीजन यही दिया हुआ है कि आपका जो CW का सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यार वो आपको ठीक करना है। कई लोगों का जो है फ्रेश नहीं है, पुराना डाला हुआ है, तो वो भी आपको जो है लेटेस्ट अपलोड कर देना है, तो लेटेस्ट अपलोड या फिर अपडेट करने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो यार मेन चीज यहां पर यह है कि जो है प्रॉपर जो भी आपका रीजन है वो आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंड मेन चीज यहां पर यह दी हुई है कि प्रॉपर अगर कोई आपकी ग्रीवेंस है, देखो यार कोई आपकी कोई लग रहा है कि कोई आपकी ग्रीवेंस है तो आपको वो कैसे एड्रेस करवानी है, तो उसके लिए यार देखो यहां पे वो फॉर्म दिया हुआ है, वो है यहां पे ग्रीवेंस फॉर CW कैटेगरी, तो आपको इसके ऊपर यहां पे क्लिक कर देना है, एंड यहां पे दिया हुआ है दिस फॉर्म इज ओनली फॉर ग्रीवेंसेस ऑफ CW एप्लीकेंट्स, दिस फॉर्म इज नॉट फॉर एनी अदर ग्रीवेंसेस और क्वेरीज। तो ये खाली जो CW के कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जो एप्लीकेंट्स है, उनके लिए ये फॉर्म है, यहां पे कोई और क्वेरी अपनी मत डालना, तो वो एड्रेस ही नहीं होगी वो चीज। तो
applicants are advised to fill out sufficient details so that the grievance committee is able to understand the details of the case. तो आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है ताकि जब ग्रीवेंस कमिटी वो देखे तो उनको प्रॉपर एक कंक्लूजन पे वो आ जाए। यहाँ पे सबसे आपको अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है, देन यहाँ पे आपको अपना फॉर्म नंबर एंटर करना है, नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद जो भी प्रायोरिटी के थ्रू आपने अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है टाइप ऑफ ग्रीवेंस, तो वो आपको अपने यहाँ पे चूज करनी है कि जो आपकी प्रायोरिटी है वो ठीक से वेरीफाई नहीं करी गई है वो है या फिर रीजन, या फिर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड बाय एप्लीकेंट, कि आपने या तो कोई गलत अपना जो फॉर्म वो अपना डॉक्यूमेंट है, जैसे कई लोगों में लिखा ना कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनका जो है सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अगर आपका दिक्कत है तो वो आपको चूज करना है यहाँ पे डिड नॉट सेलेक्ट द करेक्ट सीडब्ल्यू प्रायोरिटी। तो आप किसी और प्रायोरिटी से बिलोंग करते हो बट आपने एप्लीकेशन के टाइम पे गलत प्रायोरिटी चूज कर ली, अगर वो करा है आपने तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। एंड अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी हैज चेंज्ड आफ्टर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपने जब फॉर्म फिल करा था उसके बाद आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो अगर वो रीजन है तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो जो भी रीजन, अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो वो चूज कर लो, अगर आपने गलत प्रायोरिटी चूज करी हुई तो वो चूज कर लो, अगर आपकी चेंज हो गई प्रायोरिटी तो वो आप चूज कर लो, जो भी रीजन है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, जो भी आपके जो प्रॉपर कमिटी है वो आपके ये भी ग्रीवेंस है उसको चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर देंगे आपकी ईमेल पे, ठीक है ना। तो यार ये चीज आपको फॉलो करनी है, इजीली आपकी जो भी कोई गलती हुई है तो वो आपकी यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। सो गाइज यही था एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, तो यार अभी चेक कर लो इस लिस्ट को, आपको जाना है डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिस्ट का भी, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको देखा, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है यार अभी करो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।